हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुबिन मस्ट फैन। पिछले कुछ साल के बाद फिर से इंडिया का सुंदरियों ने मिस यूनिवर्स खिताब अर्जन किया है। 17 मिस यूनिवर्स हेल्ड 1 दिसंबर 2021 एट यूनिवर्स डोमी इन एलेट इसराइल में अनुष्ठित मिस यूनिवर्स इवेंट में एंड्रू मेजा ने इंडियन का हरनाश संधू को क्रोनेट पहनाई। हरनाश संधू ने 17th मिस यूनिवर्स का मुकुट परिधान करके इंडिया को फिर से एक बार गौरवान्वित किया। 21 ईयर्स के पहले लारा दत्ता ने 2000 ईयर में मिस यूनिवर्स का खिताब लिया था और उसके बाद फिर से वो इतिहास दोहराई हरनाश संधू ने 12 दिसंबर 2021 में। चंडीगढ़ बेस्ट मॉडल हरनाश संधू ने खिताब लेने के बाद बोली, आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू दी ऑलमाइटी माय पेरेंट एंड मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन हु प्रेड एंड वाइस द क्रोन फॉर मी। इंडिया के लिए 21 इयर्स के बाद ये ग्रेटेस्ट प्राइड है। हरनाश संधू तीसरी इंडियन वुमेन जो मिस यूनिवर्स खिताब लिया। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद हरनाश संधू ने मिस यूनिवर्स का मुकुट लेकर भारत को फिर से एक बार मिस यूनिवर्स का खिताब दिलवाया। पंजाब के चंडीगढ़ का हरनाश संधू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर डिग्री होल्डर। पंजाब का इस ब्यूटी क्वीन का उम्र 21 साल का। हरनाश संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने से पहले 2019 के फेमिना मिस इंडिया 2019 और मिस डिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब लिया। 3 मार्च 2000 में जन्म लेने वाले हरनाश संधू ने पंजाबी फिल्म में भी काम किया। यार दियान पू परन और बाई जी कुतलगी जैसी फिल्मों में काम किया। हरनाश संधू का पिता का नाम रविंद्र कौर संधू और मां का नाम प्रीतमपल सिंह संधू। 2017 से हरनाश संधू ने अपना पेगेंट्री करियर शुरू किया और 2017 में मिस चंडीगढ़ खिताब लिया और 2018 में मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया खिताब भी लिया। 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता के बाद तीसरी बार मिस यूनिवर्स का मुकुट हरनाश संधू ने भारत से लेकर फिर से भारतीय महिलाओं के खूबसूरती का रंग विश्व को दिखा दिया। थैंक्स। वीडियो को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकूं। जय हिंद।